हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी की कृपा से नवरात्रि पूर्ण होने वाली है। कल यानी कि 4 अक्टूबर को नवरात्रि का नवा दिन पड़ रहा है। तो नवे दिन किस देवी की पूजा करनी है, क्या करना है, मंत्र, भोग, रंग, संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पे ज्योतिषीय सलाह जैसे कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कल के दिन यानी कि माँ का अंतिम दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती है। अब मैं बताती हूँ, जितने भी दिनों आपने माँ की पूजा की, आराधना की, वो संपूर्ण अब उसकी पूर्णता का दिन है माँ सिद्धिदात्री का दिन। माँ सिद्धिदात्री को 8 शक्तियाँ, इनकी पूजा करने वाले से 8 शक्तियाँ मिलती है। यहाँ तक कि देवाधिदेव महादेव ने माता की कृपा से 8 सिद्धियों को धारण किया था, और माता की कृपा से ही महादेव का आधा शरीर नारी का हो गया था, इसलिए ये अर्ध नारीश्वर भी कहलाए। एक चीज़ और बताती हूँ दोस्तों, कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हाँ, संशय की स्थितियाँ हैं इस बार। नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी माता के स्वरूप का भोग मंत्र वगैरह आपको बता दूँ। देखिए, माँ सिद्धिदात्री की पूजा यदि आपने पिछले दिनों में जो भी पूजा आराधना की, तो अब उसको समय आ गया है कि माता सिद्धिदात्री आपकी पूजा पाठ, आपकी आराधना का फल देने वाली हैं। तो आज के दिन विधि विधान से माँ की आराधना करिए। वस्त्र कौन सा पहनिए, तो देखिए, वैसे तो माँ के अनुसार वस्त्र बताया गया है कि हल्के नीले रंग पहन सकती हैं, हल्का बैंगनी पहन सकती हैं, तो ये वस्त्र भी पहन सकती हैं, और लाल तो सबसे उत्तम है माँ की आराधना और पूजा करने के लिए। यदि आप चाहें तो लाल वस्त्र तो सबसे उत्तम है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कि आज के दिन माँ को भोग क्या लगाएं। देखिए, आज के दिन हम पूजन के बाद हवन वगैरह करते हैं, आज के दिन काले तिल का भोग भी माँ को लगाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या लगाया जाता है, तो हरवा, पूरी, चने वगैरह का भोग भी आज माँ को लगाया जाता है। नारियल वगैरह माँ के सामने तोड़ा जाता है, ये बलि मानी जाती है। जो नारियल तोड़ कर हम माँ को समर्पित करते हैं वो बलि मानी जाती है। दूसरी चीज़ है कि आज माँ की पूजा आराधना करते समय जब पूजा का समापन होता है तो कलश विसर्जन होता है। तो कलश विसर्जन आप कब करें, बहुत बड़ा संशय है। संशय ये है दोस्तों, देखिए, देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्रि का कलश किसी भी स्थिति में विसर्जित करना है आपको नवमी तिथि को। ऐसे में बहुत सारे बहनों का प्रश्न आ रहा है कि नवमी को तो मंगलवार है तो माता विदा नहीं होती हैं, तो ऐसे में हम क्या करें, माता को विदा करें या फिर नियमों का खंडन करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने भी पता किया है, और सबसे बड़ा पता तो वो होता है दोस्तों कि जो हमारे पुरोहित होते हैं, गुरु होते हैं, कहा जाता है कि गुरु के मुख से यदि हम कोई काम सुन करके करते हो तो सर्वोत्तम होता है। तो जैसा कि ये बात तो मैं भी जानती हूँ, जैसे नवमी वगैरह में पूजा होती है तो घर पे भी बात होती है, आपकी भी होती होगी, कि मंगलवार को या फिर रविवार को माता विदा नहीं होती है। तो ऐसे में मेरे मन में भी ये विचार आया कि आखिर क्या किया जाए। तो हमने अपने पुरोहित जी से संपर्क किया और इस बात का जो है खुलासा किया, तो उन्होंने भी यही बताया कि किसी भी स्थिति में आपको विसर्जन नवमी को करना ही होगा, क्योंकि दसवीं को विसर्जन करना श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी आपके यहाँ यदि दसवीं को किया जा रहा है तो आप दसवीं को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में जो कलश डुलाने का काम होता है, आप भी जानते हैं, मैं कई बार ये चीज़ बताई हूँ, कि विसर्जन पूरा तो दसवीं में हम करेंगे, लेकिन बस माँ की पूजा, आराधना, आरती, हवन, कन्या पूजन सब जब आपका हो जाए तो बस कलश को थोड़ा सा, जो मैं विधि बता चुकी हूँ, उसी विधि से करिएगा। पहले अक्षत वगैरह लेकर के क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि 9 दिनों तक आपने भगवान को बुलाकर कलश में रखा है। तो अब ये तो नहीं है कि आप फटाक से कलश को हिला के भगवान को हटा देंगे, ऐसा तो नहीं करना है ना, क्योंकि भगवान को आपने आवाहन किया था, बुलाया था, तो इस तरह झटके से तो नहीं भगा सकते हैं। तो आप कैसे भगवान को जो है विसर्जन करना है वो विधि मैं बताई हूँ, वो कर लीजिएगा। तो कलश डुलाने का काम मैं, देखिए, मैं जो आप पूछते हैं कि आप क्या करने वाली हूँ, तो मैं करने वाली हूँ, मैं नवमी में ही विसर्जन करूँगी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि गुरु के मुख से यदि हम कोई व्रत तोड़ते हैं या फिर उनके कहने से हम व्रत तोड़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, यह हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं करूँगी। अब आप लोग अपने यहाँ अपने जो क्षेत्रीय आपकी मान्यता हो उसके अनुसार देख लीजिएगा कलश विसर्जन का। यदि शास्त्रों के अनुसार मानते हैं तो दसवीं में कोई भी नियम नहीं है, ये चीज़ मैं बता दूँ, तो कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ कह दूँ आपसे,
कि पारण आप कब करेंगे, तो देखिए यदि आपने अष्टमी व्रत रखा है तो आप नवमी तिथि में बेशक पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि नवमी तिथि में जो है कि आप पारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अभी अष्टमी है तो नवमी है, कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि प्रश्न लगातार सुबह से ही आ रहे हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। आप सुबह सवेरे जगिएगा, माँ की पूजा करिएगा, आराधना करिएगा। यदि घर में हवन नहीं हुआ है तो भले ही आप प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, उसके पहले खाना मत खाइएगा। सबसे पहले माँ की पूजा कीजिएगा, उसके बाद हवन कीजिएगा, उसके बाद कन्या पूजन कीजिएगा। कन्या पूजन करने के बाद परिवार के साथ मिलकर आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद भोग प्रसाद जो माँ को आपने लगाया है वो करिएगा, उसके बाद आप व्रत खोलेंगे। अब मैं बताती हूँ, कुछ लोगों का प्रश्न है कि जो है कि 9 दिनों वाले जो लोग हैं वो भी आज के दिन हवन के बाद व्रत खोल लेते हैं। देखिए ऐसा तो कोई नियम नहीं है, मैं जो बात आपसे कह रही हूँ वो कहने सुनने वाली बात ही नहीं कह रही हूँ, वो बात मैं कह रही हूँ शास्त्रों के। विशेषकर मैं आप भी जानते हैं नवरात्रि का व्रत 9 रात्रियों का होता है, 9 दिनों का होता है, तो फिर ऐसे में हमें पूरी 9 रात्रियों तक तपस्या करनी पड़ती है जिसमें नवमी की रात्रि भी आती है। नवमी में भले ही हमारे घर में हवन पूजन सब कुछ हमने संपन्न कर लिया, लेकिन भोजन आपको दसवीं में ही पारण करना है जो लोग 9 दिन के व्रती हैं, तो ये कर लीजिएगा। और हाँ, पूजा से पहले आप अपनी माँ को जो आपने कलश तो हिला ही दिया है, आप जो है क्या करेंगे कि पूजा से पहले आप पूरी तरह से विसर्जन कीजिएगा। एक एक सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो सब मैं आगे वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने चेक किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चेक कीजिएगा, याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो उस तरह से जो है करिएगा। सारी चीज़ें फेंकी तुरंत नहीं जाती हैं क्योंकि कहा जाता है कि घर की समृद्धि चली जाती है, बरकत चली जाती है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यदि आपके यहाँ कोई पूजा वगैरह कराने योग्य पंडित जी लोग आते हैं तो वो आपको यही सलाह देते होंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। तुरंत सारी चीज़ें फटाफट हाथों हाथ कभी नहीं फेंकी जाती हैं क्योंकि कुछ चीज़ों से घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो कभी भी उनको जल्दी से घर से निकाला नहीं जाता है। कितने दिन रखा जाता है सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, तो देख लीजिएगा। अब पारण का और कलश विसर्जन का मुहूर्त तो हमने बता दिया। यदि मुहूर्त की बात करते हैं तो सुबह जो है आप जैसे कि दसवीं तिथि लग रही है लगभग 1 बजे के बाद, 1 बजे के पहले ही आपका कलश विसर्जन और जो लोग अष्टमी व्रत हैं उनका पारण हो जाना चाहिए। वहीं पे जो लोग नवमी व्रत हैं, जो लोग 9 दिनों का व्रत हैं, वो दसवीं तो जो है 1 बजे के बाद लग जा रही है, किस तारीख को, मंगलवार को, दसवीं जो है मंगलवार को लग जा रही है 1 बजे के बाद, लेकिन आप पारण नहीं करेंगे। आप जो है वो बुधवार को, आप ध्यान दीजिएगा, बुधवार को आप पारण करेंगे। बुधवार को शाम से ही दशहरा लगा हुआ है, दसवीं लगी हुई है, तो आप कभी भी सुबह नहा धो करके पूजा का सामान जो आपका विसर्जन का सामान है सारा उठा लीजिएगा। उठाने के बाद आप तब जाके अपना पारण कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सामान छोड़ करके बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो सामान छोड़ देती हैं कि उसको मम्मी उठाएंगी और वो जो है अपने भोजन वगैरह में लग जाती हैं, तो सबसे पहले भोजन चौकी उठाइएगा, उसके बाद ही अपना भोजन वगैरह कीजिएगा। नवरात्रि व्रत में पारण करने से पहले जो आपने माता को हलवा पूरी चने वगैरह का भोग लगाया हुआ है उसमें से कुछ भी एक चना ही सही, लेकिन वही खाकर पहली बार व्रत तोड़ा जाता है, तो ये सब नियम ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रही हूँ खुद के अनुभव से, जब आप पारण करने लगेगा तो हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे व्रत में पूजा में जो भी भूल हुई हो माता क्षमा करें, ऐसा बोलकर उनके प्रसाद से व्रत तोड़िए। आप देखिए शुभ ही शुभ होगा, मंगल होगा। चलिए, मंत्र तो मैंने आपको बताया नहीं कि आज माँ सिद्धिदात्री के सामने बैठकर कौन सा मंत्र आपको जपना है, तो देखिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं जूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल शं हं लं छं फट स्वाहा। मंत्र बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन आज के दिन ये मंत्र जपना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि देखिए 8ों सिद्धियां दिलाने वाली वाला जो है ये मंत्र है, तो कुछ नहीं तो 11 बार खूब ध्यान से देख करके जप लीजिएगा, निश्चित रूप से माँ की कृपा बरसेगी। अब एक उपाय की बात मैं बता देती हूँ, यदि आपने मतलब कुछ दुख है आपको, कुछ तकलीफ़ है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन जमीरी नींबू ले लीजिएगा, जमीरी नींबू मिल सके तो, और उसको काट करके उसका रस निकाल लीजिए। रस निकाल करके किसी छोटे से पात्र में रख दीजिएगा,
और उस रस से माँ को अर्घ दिया जाता है। अर्घ का मतलब माँ के सामने, तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने, फोटो के सामने एक कटोरी रख दीजिएगा और धीरे धीरे माँ का नाम लेकर मंत्र पढ़ते हुए आप उस नींबू के रस को गिराइएगा। इससे जीवन में चाहे जितनी भी खटास हो, संघर्ष हो, समस्याएं हो, उससे मुक्ति मिलती है। तो आज मैं कहूँगी कर लीजिएगा। जमीरी नींबू नहीं प्राप्त हो पाता है तो जो घर में नॉर्मल सा नींबू होता है उसमें 2-3 काटेंगे तो थोड़ा रस तो निकल ही जाएगा, तो उसको ले लीजिएगा और उस तरह से कर लीजिएगा। करके देखिएगा, जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक परिणाम आता है। 6 महीने यदि आपने अच्छी तरह से माँ को प्रसन्न कर लिया तो 6 महीने तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस माँ की कृपा से सब कुछ उत्तम होगा। और महादेव, आप तो जानते ही, देवादिदेव महादेव ने भी माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। तो बस ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगी कि आपके लाइक से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। इतनी प्रेरणा मिलती है कि जब बहुत बड़ा कोई जीवन में संघर्ष चल रहा होता है, वीडियो बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता, उस समय भी हम उठते हैं और पूरी जोश के साथ वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।